हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स हम बनाने वाले एक बोट जो कि बैलून से चलता है। बिल्कुल सिंपल है, ये पूरा गत्ते से बना है, मतलब कार्डबोर्ड आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, गत्ते से, पेपर से। पेपर से तो नहीं, पर थोड़ा मोटा चाहिए, मतलब साइंस की कॉपी का जो प्रैक्टिकल नोटबुक होता है उसका जो साइड का होता है उससे आप बना सकते हो। आपको जो सामान चाहिए ऐसा बोर्ड बनाने के लिए, देख लीजिए। ऐसा एक साइंस का ये पेज हो गया, साइंस का देखो, साइंस का किसी भी प्रैक्टिकल नोटबुक का एक पेज लेना है, उस पर एक ऐसा डायग्राम आपको जिस हिसाब से बनाना है। साइड से ये मैंने लिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये जो चीज़ है ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये सारा 1.55 सेंटीमीटर लेना है। और ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर होगा सारा, देख लीजिए आप यहाँ पे। और जो जो ये वाले हिस्से इसको कट करना है, ये तो पहले कट कर लेना है, फिर जो ये वाले हिस्से इसको भी कट करना है। मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में करना क्या क्या है। अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो सामान जो चाहिए हमें, एक कार्डबोर्ड चाहिए ऐसा बोर्ड बनाने के लिए, ये मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए, चला के भी दिखाऊंगा। चलने वाली बोट है, बैलून से चलती है, सिंपल बोट, कोई बैटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल बोट। इसको रख देते, जो सामान चाहिए एक कार्डबोर्ड ऐसा वाला, इसको ऐसा डायग्राम आप बना लेना। दो स्केच पेन चाहिए, कोई भी छोटे वाले या बड़े वाले आपको काट के कर लेना। सीजर चाहिए आपको, एक दो जो भी आपके पास हो, थोड़ा अच्छा वाला सीजर। एक आयरन स्केल चाहिए, एक ब्लेड चाहिए, आप कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेप चाहिए, सेल्लो, डॉक्टर टेप इस्तेमाल मत करना। और एक चाहिए हमें बैलून, और आप पेन थोड़ा मोटा, इतना मोटा हो सके, मतलब हवा निकल सके, ये नोजल्स होते हैं वो मत इस्तेमाल करना। पेन का जो ये होता है ये भी मत, फिर तो चलेगा ही नहीं। बोर्ड भारी है तो थोड़ा तेज, जितना मोटा हो सके। मेरे पास ऐसा है तो मैं आपको ऐसा वाला दिखा दिया फ्रेंड्स। यहाँ से भी हमें कट करना है, ये हमने कट कर दिया, और सामने से हमें ये कट करना है बिल्कुल सीधे से। और फ्रेंड्स और एक बात, हमें बिल्कुल इसके सिदाई पे, मैंने बनाया नहीं, ये देखो इसके सिदाई पे बिल्कुल, ये जो सिदाई आ रही है ये वाली, इसके सिदाई पे बिल्कुल ये इतना सा काट के मैं फेंक देना है, ये फेंक देना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, स्केल लेना है, और इसको आप पेंसिल जो मैंने कहा था लेने के लिए, या पेन जो भी है, इसको डार्क करना है। यहाँ से भी फ्रेंड्स आपको ये डार्क करना है, यहाँ से भी फ्रेंड्स आपको डार्क करना है ये। डार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये स्केल की मदद से करना है। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, या प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल या चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ऐसे करने के लिए। ये रख के ये चाकू लगा दिया, इससे थोड़ा बढ़िया होता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, ये नहीं, पहले बना के फिर डेकोरेट। कुछ लोग बोलते हैं डेकोरेट हार्ड है थोड़ा, इसलिए ऐसा टाइम लग रहा है। आप सबसे बढ़िया इस्तेमाल करना ये वाला गत्ता ना इस्तेमाल करके, एक आता है मार्केट में सस्ता मिल जाता है काफ़ी। ये देखिए, अब आपको जो ये आपने काटा होगा तो साइड से ऐसे बच जाएगा आपका। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसका ऊपर से थोड़ा सा ये, जैसे मैंने इस बोट में दिखाया, ऊपर से ये लगाने के लिए आपको एक ऐसे स्ट्रेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये अंदर से एक इतना, ये देखिए स्केच या पेंसिल जो भी मिले, ये स्केच से पेंसिल से आपको ऐसे कर देना है। फिर ये करना क्या आपको, फिर से वही तरीका इसको फोल्ड करने का। सीजर से या किसी भी चीज से इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको बाहर की अंदर की ओर जो भी करना कर लीजिए, ये कर लिया हमने अंदर की ओर। फिर दोबारा ये जो बोर्ड था, अब इसको करना क्या, ऐसे करके ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और एक मार्क कर देना है, ये मार्क कर दिया फ्रेंड्स। और इस पर फिर से सीजर का
वो कर दिया फ्रेंड्स, फिर इसको वापस फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर दिया, तो हमारा इतना बन चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका ऊपर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ से फिर से फ्रेंड्स आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है, पेंसिल से एक लाइन खींच देनी है और लाइन के इस पार लगना स्केल थोड़ा सा, क्योंकि साइड से आपका थोड़ा बड़ा होता है ये। अब यहाँ से काट भी देना है, सिंपल तरीका है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से ये कट कर दिया। अब जो है इसको प्लेटफॉर्म को, ये जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है इसको थोड़ा हार्ड बनाना, आप ये थोड़ा मेन होता है, इसको आपको चिपका देना है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसको आपको चिपकाने के लिए क्या करना है, देखो ये वाला जो है इस पर ना पन्नी लगा है, तो अगर आप सिंपल कागज वाला बनाएंगे पानी में चलाएंगे, ये पानी में चलने के लिए है तो आपका गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला साइड ऐसे रखा है। तब भी मैं कोने कोने से टेप लगा दूंगा, अभी अच्छे से टेप लगा देना है आपको। और ये सारा ये वाला साइड आप ऊपर रखोगे तो अगर गलती से गिर गया तो फिर वो गीला हो सकता है, गीला होकर आपका बोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा। आपको इसको सेलो टेप से अच्छे से पैक करना है, या आप दूसरा टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डॉक्टर टेप और जो एक इलेक्ट्रिकल टेप आता है ये दोनों टेप मत कीजिएगा इस्तेमाल प्लीज़ दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो आपको अगले वीडियो में बताने वाला ज़रूर हूँ, पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, यहाँ साइड साइड से पानी ना घुसे इसलिए एक स्ट्रैप काटेंगे टेप का, और ये हमने चिपका दिया। अब इसके अंदर पानी घुसने का कोई डर नहीं है, साइड से भी हम लगा सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जितना टेप लगाना है आप लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें करा है पूरा आप कर सकते हैं ऐसा कवर, ज़रूरी नहीं है आप। और एक यहाँ पर लगाना एक ज़रूरी है फ्रेंड्स, वरना पानी घुस सकता है आपके बोट में तो वो फिर भारी हो जाएगा, चलेगा नहीं। ये एक आपने फ्रेंड्स लगा दिया यहाँ को, और एक फ्रेंड्स आपको इधर लगाना है। ये फ्रेंड्स देखो लगा दिया, तो हमारा बोट का ये ऊपर का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब फ्रेंड्स मैंने जो आपको ये बताया था, इसको बैलून को डाल के जैसा कि मैंने इसमें करा है रबर बैंड से अच्छे से वो कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से बिल्कुल पैक कर देना है अच्छे से। ओके, और ये जो मैंने झंडा बनाया आपको, बस ये प्लेटफॉर्म दिखाना था, मैंने ये पूरा बनाया है। कलर भी कर सकते हो आप अंदर कोई भी स्केच कलर, ये जैसे निकालोगे आप फ्रेंड्स तो इसका ना ये रह जाता है, तो मैंने स्केच कलर निकाला एक, तो इसका ये रह जाता है, तो मैंने इसी से इसको काट के इससे ऐसे ही मैंने इस पर कर दिया। तो आप भी इस पर ऐसे ही दो कलर तीन कलर जो भी मिले आप कर दीजिएगा। और ये जो मैंने फ्लैग बनाए हैं ये भी कार्डबोर्ड का ही है, कार्डबोर्ड के काट के आप अपना कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। आपको इसको कैसे बनाना है ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा ले लेना, ये कटा वाला नहीं है, ये हमारा ये वाला झंडा था। आपको करना क्या है, ऐसा स्केच कलर या छोटा वाला बड़ा वाला जो भी मिले आपको लेना है, और आपके पास जो कटर होगा कटर से आपको करना क्या है, अगर बड़ा होगा तो आपको जिस हिसाब से रखना है, ज़्यादा बड़ा रखोगे तो फिर बोर्ड गिरने का भी चांस होता है, इसलिए आपको छोटा रखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं। आपको ऐसे ब्लेड डालना है और थोड़ा थोड़ा करके कट कर देना है, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से अच्छे से काटना, हाथ ना कटे, इंजरी का डर रहता है ना। आपको ऐसे कट कर देना, इसके अंदर आप कार्डबोर्ड डाल सकते हो, और इसको नीचे लगाने के लिए आप कार्डबोर्ड जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपको यहाँ से ऐसे काट देना है। अब देखो ये कार्डबोर्ड के अंदर इसको ऐसे वो करके आप इसको कार्डबोर्ड के अंदर अब देखो फ्रेंड्स लगा सकते हो। ओके, लग गया फ्रेंड्स, अब इसको आप इसके अंदर लगा सकते हो। यही बताना था मेरे को वीडियो में, आप बनाइए देखिए ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा चलता है। अभी हम देखेंगे कि ये चलता कैसे है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं इसको चला के दिखाऊंगा, तो ये मैं चलाने वाला हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने बोट को रख दिया पानी पे, और देखो गाइस जो चल रहा है, देखिए गाइस जो चला, और एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ से हवा भरना है हमें मुँह से। ओके, हमने बैलून गर थोड़ा ज़्यादा बड़ा फुलाया है, और ये हमने छोड़ दिया। गाइस देखो कितना बढ़िया से चल रहा है गाइस।
मस्त चला बोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए, लाइक करें, कमेंट करें।